रात बाबा श्याम के लक्खी मेले की। खाटू श्याम बाबा का मेला परवान पर है, आज मेले का नौवां दिन है। वहीं कल एकादशी के दिन खाटू श्याम का मुख्य मेला भरेगा और 21 तारीख को मेले का विधिवत रूप से समापन हो जाएगा। अगर आज की बात करें तो श्याम दीवानों के जत्थे बाबा श्याम के मंदिर पहुंच रहे हैं और मनौतियां मांग रहे हैं। लाखों की संख्या में श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार पहुँच रहे हैं। इन श्याम भक्तों की सेवा में देश भर से सेवाभावी और विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन के स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। खाने पीने समेत तमाम सुविधाओं को मुहैया करने में स्वयंसेवक और संगठन, सामाजिक संगठन और सेवाभावी लोग जुटे हैं। संवाददाता अशोक सिंह शेखावत ने इन तमाम सेवाभावी लोगों की सेवाओं का जायजा लिया और उनसे बातचीत भी की। सीधा लिए चलते हैं आपको खाटू श्याम कि लक्खी मेले में। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, तस्वीरें दिखाइए जरा, आज नौवां दिन लक्खी मेले का और लगातार परवान चढ़ता हुआ ये मेला, लगातार भक्तों का रेला मेले में बढ़ता हुआ, तस्वीरें दिखाइए जरा और बात कीजिए इन भक्तों से, क्या कुछ चल रहा है अशोक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज नौवां दिन है और शाम भक्तों का रेला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइन में लगकर कतारबद्ध होकर शाम भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं। पीछे से पूरी लाइनें जो हैं वो पूरी तरीके से फुल हैं। करीबन 3 किलोमीटर तक लाइनें कतार जो है फुल हैं। इस बार विकलांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था आप देख सकते हैं, अलग से व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से की गई है। बाकायदा व्हील चेयर पर इनको लाया जा रहा है। ये शाम भक्त कतारबद्ध होकर के बाबा श्याम के दीदार के लिए कतारबद्ध हैं। कल बाबा श्याम का एकादशी के दिन लक्खी मेला रहेगा और कल बाबा श्याम खाटू नगरी में जो है रथ पर सवार होकर के निकलेंगे और श्याम भक्त जो है उनके दर्शन करेंगे। कल जो है एकादशी है और परसों द्वादशी मेले का समापन होगा। हमारे साथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह, बात करते हैं सर कल और परसों दो दिन विशेष रहेगा मेले में, क्या क्या होगा आयोजन? मेले में एक तो बाबा श्याम का एकादशी का रथ निकलेगा और द्वादशी पे बाबा के जो यात्री है जहाज जड़ूला व जो भी है वो चढ़ा के बाबा के अपने अपने घर पे बाबा का आशीर्वाद लेके प्रस्थान करते हैं। रथ का क्या परंपरा है? रथ की वो परंपरा है, पहले बाबा के जो यात्री बाहर निकलते हैं जो नहीं दर्शन कर पाते हैं उनके लिए बाबा उनको दर्शनों के लिए भ्रमण करवाते हैं गाँव के अंदर। अच्छा अच्छा, और द्वादशी को विशेष रूप से क्या क्या होना है? द्वादशी को बाबा के जो प्रसाद लगना जिनका बोला हुआ है, जात बोली हुई या जड़ूला बोला हुआ है, वो दोग लगा के बाबा के और प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये तो प्रताप सिंह जी की भाई जो है दो दिन का मेला और बचा है, कल और परसों द्वादशी को मेले का समापन हो जाएगा। हमारे साथ श्याम भक्त भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का माहौल, कहाँ से आए हैं सर? यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर से, कैसा माहौल है, पिछले क्या व्यवस्था है? बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। पहले भी आए हो आप? हाँ पहले भी आए। पहले तो क्या आपको अंतर दिखा पहले में? काफी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। हाँ, पानी बिजली सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए हो? बानसूर से। बानसूर से क्या मनोती लेके आए हो? वैसा बाबा इच्छा पूरी करते हैं। कैसा माहौल है पीछे? बढ़िया है, पहले से अच्छा है। पहले से तो बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बढ़िया है। आप बताएं कैसा लग रहा है माहौल? दिल्ली से। दिल्ली से पहले भी आए? बहुत टाइम से आ रहे हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं। पहले में अब क्या अंतर नजर आ रहा है? बहुत अंतर, बहुत अच्छी मतलब तरीके से वो कर दिया। भक्ति का क्या माहौल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। पैदल यात्रा करके आए? पैदल यात्रा अब करेंगे पैदल यात्रा। श्याम भक्त है जो अरदास और मनोतियां लेकर के बाबा श्याम के दर्शन के लिए, दीदार के लिए यहाँ आ रहे हैं। कल एकादशी के दिन जो है मेला परवान पर रहेगा और जो है बाबा श्याम रथ पर सवार होकर के खाटू नगरी का भ्रमण करेंगे। माहौल की अगर बात करें तो पूरी खाटू श्याम कस्बा श्याम के रंग में रम चुका है। चारों ओर देखें जिधर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुँच रहे हैं लगातार। अभी तक अगर बात करें तो करीबन 19 लाख श्रद्धालु जो है वो बाबा श्याम के दीदार कर चुके हैं। आने वाले दो दिन में ये संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, उसके लिए पुलिस और प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं। प्रशासन की ओर से 5000
पुलिसकर्मी जो यहाँ वहाँ तैनात किए गए हैं। इस बार मंदिर कमेटी ने व्यवस्था की है ठाके लाने की आपकी? बहुत ज्यादा व्यवस्था की है, बहुत ज्यादा व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं जो निसर्गजन है जिनके पैरों में तकलीफ है वो उनके लिए श्याम मंदिर कमेटी की ओर से बाकायदा व्हील चेयर पर लाने की व्यवस्था की है। उनके लिए एक अलग से लाइन जो है वो ये की गई है यहाँ से, जिससे ताकि वो सुगम तरीके से बाबा श्याम के दर्शन करके मधुर मधुर आवाज़ जो है भजनों के भजन जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और उस पर श्याम भक्त मतवाले होकर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए पहुँच रहे हैं। और श्याम भक्त है, कहाँ से आए सर? सर बुलंदशहर से आया हूँ मैं। ऐसा माहौल लग रहा है बाबा श्याम का? बिल्कुल श्याम विलीन माहौल है, श्यामल माहौल है, पूरा खाटू श्याम श्याम बाबा में छाया हुआ है, श्याम बाबा में छाया हुआ है बिल्कुल। ऐसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय शीश के दानी की, जय शीश के दानी की। अब आप देखेंगे कि कल जिस तरीके की व्यवस्था और रहेगी, पुलिस के लिए चैलेंज है, प्रशासन के लिए चैलेंज है, लेकिन प्रशासन ने तमाम माकूल इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। पहले से सुविधाओं में काफ़ी विस्तार किया गया है मंदिर कमेटी की ओर से। लखदातार जो ग्राउंड है जो पहले कवर नहीं होता था उसको बाकायदा डोम बना करके कर दिया गया, वहाँ पे झिकझैक बना दिए गए, पानी बिजली और शौचालय की तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है। शाम भक्त जो है वो काफ़ी अपने आप को इस बात के लेकर के इस बार सुविधाएं काफ़ी बेहतरीन की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आज बाबा श्याम के दर पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी और लक्खी मेले का आज नौवां दिन।